आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि व्हाट्सएप आईडी कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सिंपली आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में यहाँ पे सर्च करना है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप को सर्च करने के बाद इसे इंस्टॉल कर लेना है। हमारे में पहले से ही डाउनलोड है तो इसे ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है, जिस मोबाइल नंबर से आपको व्हाट्सएप बनाना है, और सिंपली यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा आपका नंबर सही है, तो आपको ओके कर लेना है। ओके करने के बाद फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर एक वेरिफिकेशन कोड गया होगा, सिंपली आपको यहाँ पर उसको भर देना है या ऑटो स्कैन भी हो। यहाँ पे आपको यहाँ इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको इसको लाकर यहाँ पे पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये आपको देख रहे हैं यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। यहाँ पे आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करते कुछ परमिशन मांग रहा है, इसे अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा व्हाट्सअप हल्का सा लोडिंग ले रहा है। यहाँ बैकअप मांग रहा है, अगर आप पहले का बना चुके होंगे तो उसको बैकअप मांगेंगे तो यहाँ पर आपको स्किप कर देना है। अगर नया बना रहे होंगे उसमें कोई बैकअप आपको नहीं मांगेगा। सिंपली आपको यहाँ पे अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, जो भी आपको फ़ोटो लगाना है। यहाँ पे नाम डाल सकते हैं, हम नाम डाल दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे नाम डाल दे रहे हैं टेक्निकल इन, और यहाँ पे अपन अपना फ़ोटो भी यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से लगा सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर फ़ोटो लगाने के बाद आपको यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। सिंपली आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका व्हाट्सअप ओपन हो चुका है। यहाँ पर इस वाले आइकन पे क्लिक करके आप अपना कॉन्टैक्ट सभी कॉन्टैक्ट नंबर को पा सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपका सभी कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप किसी नंबर को सिलेक्ट करके यहाँ से कुछ भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर।